गर्लफ्रेंड नहीं भाभी, आपकी होने वाली देवरानी बोलो। जूते किसके? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पायल बेटा, मैं मंदिर से वापस आ गई हूँ। जरा एक कप चाय पिला दे जल्दी। आपसे कितनी बार कहा है, सुबह सुबह पैदल मंदिर मत जाया करें। आपको अस्थमा है, डॉक्टर ने आपको साफ साफ मना किया है सुबह बाहर निकलने से। तबीयत खराब हो सकती है आपकी, लेकिन आप सुनती कहाँ है किसी की बात। माँ जी, अगर आपको जाना ही है तो मुझसे कहिए ना, मैं आपको गाड़ी में ले चलूंगी। आपको एक बात याद दिला दूं, आपकी बहू को कार ड्राइविंग आती है। पता है मुझे, और जिस घर में ना इतनी संस्कारी बहू हो, वहां सास को अपनी तबीयत की चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर कल को हमारी तबीयत बिगड़ भी गई ना, तो तुम हो ना हमारा ख्याल रखने के लिए। ये तो है, लेकिन ये सब बातें छोड़िए, आपको चाय नहीं मिलेगी, आपको जूस पीना पड़ेगा। पीजिए, फिनिश कीजिए और उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। चलो। अरे पांडे जी, इतना मत सोचिए। हाँ, इतना पैसा है, आंख बंद करके लगा दीजिए। अरे शेयर मार्केट सीधा बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, डबल मुनाफा होगा। हाँ हाँ, पता है पांडे जी, आपका पुराना कर्जा भी लौटाना है। अच्छा पांडे जी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ और शेयर का भाव बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, राजी बेटा, कल ना बंबई वाले मामा जी का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उनके ना फैक्ट्री में एक मैनेजर की जगह खाली है, उन्होंने मालिक से तुम्हारे बारे में बात भी कर ली है। राजीव, माँ जी सही तो कह रही है, वैसे भी शेयर मार्केट का काम कितना रिस्की है। आप ना मुंबई चले जाइए, मैनेजर की जॉब ना किसी को आसानी से मिलती नहीं है। और कुछ? कितनी बार कह दिया है कि मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है और ना ही मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा, और दिक्कत क्या है मेरे काम में? और कोई ना कोई काम में कोई ना कोई तो रिस्क रहता है, क्यों माँ? हाँ हाँ मिश्री, अरे बोला है जितना लगा दो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ तू ना चिंता ना कर, मैं राजीव से ना अकेले में बात करूंगी। आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आरएस कंपनी में सारा पैसा लगा दीजिए, भाव बढ़ने वाला है।
अरे आसमान छुएगा आसमान, हाँ लगा दो। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? भाभी आ रही हूँ बाबा, क्या हुआ? माँ की दवाइयाँ और आपकी फेवरेट वैनिला आइसक्रीम। थैंक यू। वैसे देवर जी अच्छा बहुत खुश लग रहे हो, गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहे हो क्या? गर्लफ्रेंड नहीं भाभी, आपकी होने वाली देवरानी बोलो। हाँ बताओ। क्या राजीव, क्या हुआ? भैया क्या हो गया? भैया ठीक है? क्या हुआ बेटा? शेयर मार्केट क्रैश हो गया, लोगों का लाखों रुपया डूब गया। हे भगवान, अब क्या होगा? राजीव मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि ये काम बहुत रिस्की है, लेकिन अब सुनते कहाँ है किसी के। राजीव कश्यप सारे पैसे डुबा दिया तूने। सूद समेत वापस लूंगा। जी 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 सर। तेरी वजह से बर्बाद हो गया हूँ, पैसा लौटा नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। बर्बाद हो गया हूँ। लाख की सख्त जरूरत है, एक दो महीनों में पक्का लौटा दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तेरी वजह से बर्बाद हो गया हूं, पैसा लौटा नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं तो सब फोन मत काटिएगा, आप मेरी आखिरी उम्मीद है, मुझे कल तक 50 लाख चाहिए, मैं ईमानदारी से सारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। हाँ पैसे तो हम दे सकते हैं, लेकिन लौटाओगे कहाँ से? तुम तो खुद कंगाल हो चुके हो और हम कंगालों को पैसे नहीं देते। लेकिन मैं लीजिए आपकी अदरक वाली।
अपने बॉयफ्रेंड को कोई इतना इंतजार कराता है क्या? अभी अभी तो पति मरा है, थोड़े तो आंसू बहाने पड़ेंगे। वो मरा नहीं, हमने उन पर पहुंचा दिया उसे। पायल दरवाजा खोलो, पायल 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 तेरा दरवाजा खोलो, पायल पायल दरवाजा खोलो, पायल मैं क्या दरवाजा खोलो? कितना टाइम लगता दरवाजा खोलने में? तब से आवाज दे रहा हूं। क्या कर रहे हो तुम? राजीव, मेरी ज्वेलरी, राजीव ये सब क्या है? राजीव ये सब मेरी ज्वेलरी है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे लोगों का पैसा लौटाना है, अगर पैसा नहीं लौटा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गलती तुमसे हुई है, मैं क्यों भुगतूं? नुकसान तुमने किया, मैं अपनी ज्वेलरी क्यों दूं? बात सुनो पहले, अगर जिंदा रहा तो ऐसे में हजारों ज्वेलरी बनवा दूंगा। और ये नहीं, नहीं राजीव, छोड़ो इसे। बैग छोड़ो, मुझे जान, सुनो मेरी बात, बैग छोड़ो मुझे। ये कमीज, जूते किसके हैं? तेरी ये असलियत है, मेरी ये असलियत है, मेरे पीठ पीछे अपने आशिक के साथ अयाशी कर रही है। अभी घर वालों को सब बताता हूं। रुक, अजय पकड़ो इसे। ये तो मर गया, अब आगे क्या करना है? ये मरा नहीं है, इसने सुसाइड किया है और वजह है पैसा। घर में सबको पता है कि राजीव को पैसे को लेकर टेंशन थी।
बेटी को तो रास्ते से हटा दिया, अब उसकी माँ और छोटे भाई का क्या करना है? बुढ़िया तो अपने बेटे के गम में आज नहीं तो कल मरी जाएगी, और अगर नहीं भी मरी तो उसका कोई ना कोई इंतजाम तो हम कर ही लेंगे। और रही बात देवर जी की, उन्हें तो मैं अपने इशारों पे नचा नचा के बहुत दूर भेज दूंगी। और फिर हम सारी प्रॉपर्टी बेच के हम दोनों गोवा सेटल हो जाएंगे और ऐश करेंगे। माँ, आपने बुलाया हमें? हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हमने एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला माँ जी? राजीव के जाने के बाद तो इस घर की खुशियां ही उजड़ गई हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी आंखों के सामने इस घर की खुशियां उजड़ें। इसलिए हमने एक फैसला लिया है कि तुम दोनों शादी कर लो। क्या क्या बोल रही हैं आप? माझी अभी क्या बात कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं जानता हूँ भैया के जाने के बाद आप पर क्या गुजर रही है, पर आप जो बोल रही है वो नहीं हो सकता। देखो बेटा, हमने ये जो भी फैसला लिया है ना, बहुत सोच समझ के लिया है। हम अपनी बहू को ऐसे अकेले घुट घुट के जीता हुआ नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते जिस तरह हमने अपनी जिंदगी बिताई है उस तरह पायल भी अपनी जिंदगी बिताए। और वैसे तो तुझे एक दिन शादी करनी होगी ना, तो तू अगर पायल से शादी कर लेगा तो उसका घर भी बच जाएगा। हाँ, ये मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है तुम दोनों को मेरा फैसला अजीब लग रहा होगा, पर मैं तुमसे अपने घर की खुशियों की भीख मांगती हूँ पायल। मेरी बात मान लो और एक नई शुरुआत करो, एक दूसरे से शादी कर लो। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। अब रोइए मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, इस घर की खुशियां वापस जरूर आएगी माँ। एक बार माँ की तबीयत ठीक हो जाए फिर बता दूंगा मैं और श्वेता एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया उस बुढ़िया का। इतनी मुश्किल से मुझे आजादी मिली थी, लेकिन अब वो मुझे अपने छोटे बेटे के साथ शादी कराना चाहती है। शादी ना हो गई जैसे गुंडे गुड़िया का खेल हो गया। हेलो, मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम यहाँ सेल्फी लेने में बिजी हो, फोन में घुसे रहोगे या कुछ बोलोगे भी? देखो, तुम बुढ़िया की बात मान लो और अपने देवव्रत से शादी कर लो। क्या? तुम्हारा भी ना दिमाग खराब हो गया उस बुढ़िया की तरह। गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो मेरी जान। ये शादी हमारे लिए जैकपॉट साबित हो सकती है। जैकपॉट? वो कैसे? जरा सोचो, अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो करण कल किसी और लड़की को घर लेकर आ जाएगा, उसके बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा और प्रॉपर्टी के हिस्सेदार भी बढ़ जाएंगे, और फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लेगा। इसलिए मौका अच्छा है, अगर तुम करण से शादी कर लेती हो तो कल प्रॉपर्टी पे और पैसों पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार होगा। और फिर जैसे राजीव को ठिकाने लगाया था वैसे इसे भी ठिकाने लगा देंगे। और रही बात बुढ़िया की, वो तो अपने आप ही मर जाएगी।
की दवा लेने का समय हो गया। जब किसी को इस घर की खुशियों की फिक्र ही नहीं है तो दवा खा के क्या करूंगी। अब तो हमारी जीने की इच्छा भी मर चुकी है। माँ जी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। राजीव के जाने के बाद आपके और करण के अलावा और कोई भी नहीं है हमारा इस दुनिया में। आपकी हर खुशी का ख्याल रखना फर्ज है मेरा। तैयार हूं मैं, तैयार हूं मैं माँ जी करण से शादी करने के लिए। तूने हमारी बात का मान रख लिया। भगवान तुझे हर खुशी दे बेटा। अरे करण तू आ गया, बहुत ही शुभ समय पे आया है। पायल ने शादी के लिए हाँ कर दिए। माँ जी अब आप दवा लेने चाहिए। माँ आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं शादी देख बेटा मुझे नहीं पता कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि पायल ने शादी के लिए हाँ कर दी है, और अगर तूने शादी के लिए ना कर दी ना शायद तेरी माँ कल का सूरज नहीं देख पाएगी। माँ अभी क्या बोल रही हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। भैया के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको हमेशा खुश रखूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी शादी क्यों ना करनी पड़े। आप जैसा बोलोगी वैसा होगा। मैं अभी पंडित जी को फोन लगाती हूँ और कल की कल शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। इस शादी के लिए मैंने ही अपनी माँ को हाँ बोल दिया। नहीं करण, मजाक कर रहे हो ना तुम। करण मजाक कर रहे हो ना, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। करण मजाक नहीं है श्वेता, ये माँ और परिवार की खुशी के लिए मुझे शादी करनी होगी, आज है। मैं ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने दे सकती। अपना प्यार किसी और के साथ नहीं बांध सकती करण। मैं ना बड़ा धोखा तुम कैसे दे सकते हो करण मुझे, तुम कैसे दे सकते हो। अपने आप को संभालो श्वेता, ये सच है कि अपनी माँ और परिवार की खुशी के लिए मैं शादी कर रहा हूँ, पर तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये शादी भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। अब तुम लोग आराम करो। आपसे शादी तो कर ली पर मैं आपको वो खुशी कभी नहीं दे पाऊंगा जो एक पति को देनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ श्वेता से प्यार करता हूं। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते।
एक होना भी कौन चाहता है देवर जी? तुम जितना दूर रहोगे ना मुझसे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास बचा दूंगी। कहाँ हो तुम? अब और इंतजार नहीं। हम यहाँ इस कमरे में अपनी सुहागरात बनाएंगे। वैसे तो हर रोज हमारी सुहागरात होती है, लेकिन आज की रात स्पेशल होगी। मेरी जान, क्या खेल के लाए तुमने? अस्थमा इनहेलर अपने पास छुपा कर रख लिया और वहां बुढ़िया तड़प रही है। चलो इसी बहाने इस बुढ़िया से पीछा तो छूट जाएगा, उसके बेटे का देख लेंगे क्या करना है। माँ, 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 अब ठीक तो है ना? आपका इनहेलर कहाँ रखा है माँ? पायल, माँ का इनहेलर लाना, मैं देखता हूं। पायल, माँ जी, चल भी। ये लो जी, उठो 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 माँ जी, ये लो, ये लो, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आप अपने कमरे में आराम कर रखो, आप जब बाहर आते हो ना आपकी तबीयत खराब हो जाती। देखो चलो अब आराम करो, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? उस बुढ़िया को तड़पते हुए देखकर कितना मजा आ रहा था। अगर आज टाइम पे उसका बेटा नहीं आता ना, तो आज उस बुढ़िया का राम नाम सब पे हो जाता। अच्छा सुनो, अब निकलो यहाँ से, कभी भी कोई भी आ सकता है। मैं तुम्हें रात को मिलते हैं, ठीक है?
सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ 2 दिन का प्यार एक साथ निपटा कर जाऊं। जब सही समय पर नहीं आती तो माँ की तबीयत बिगड़ सकती थी। थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो? माँ का ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है और ये फर्ज मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी, इसलिए बार बार थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं देखता हूं। श्वेता। हाय करण। हाय भाभी। हाय माजी। अरे मुझे सब आप यहाँ देख के इतना चौंक क्यों गए? मैं कोई पहली बार थोड़ी आई हूँ यहाँ पे। चलो करण मूवी चलते हैं। टिकट्स भी ले लिए मैंने और लंच भी बाहर करे श्वेता। करण की शादी हो चुकी है और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें ये समझाया जाए कि एक पराई औरत को एक शादीशुदा मर्द के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। करण और पायल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अब तुम भी अपने बारे में सोचो और आगे बढ़ो। आपने अपने स्वार्थ के कारण करण की शादी करा दी और अब मुझे क्या दे रही है आगे बढ़ने के लिए? श्वेता तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। लेकिन करन... बस अब एक शब्द और नहीं बोलोगी, जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। बंद आ रहा है, जब भी इसे काम की चीज होती है ना इसका नंबर बंद रहता है। हेलो
हेलो स्वीटहार्ट। यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम्हें कुछ भी पड़ी नहीं है। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? यही बताने के लिए मैंने फोन किया मेरी जान। मेरा फोन कहीं गिर गया है और मिल नहीं रहा। तुम प्लीज अपने कमरे में एक बार चेक कर लो, शायद वहाँ जल्दबाजी में गिर गया होगा। फोन को मारो गोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस करण को पता नहीं क्या हो गया, उसकी माँ ने उसे पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी है। दिन रात मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। जितना उसे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही मेरे करीब आ रहा है। तो इतना परेशान क्यों हो रही हो मेरी जान? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो थोड़ा मजा अपने देवर के साथ भी कर लो। देखो अगर तुम उसे इग्नोर करोगी तो करण तुम पर शक करने लगेगा, और वैसे भी तुमने देवर भाभी के किस्से तो सुने ही होंगे। माश कहेंगे। थोड़ा मजा अपने देवर को भी दे दो, खुश हो जाएगा बेचारा। अच्छा चलो बाय। शादी की रात में हमने आपसे जो कुछ भी कहा उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। पसंद करने लगा हूँ तुम्हें, क्या तुम भी? मैंने आपसे शादी तो कर ली पर मैं आपको वो खुशी कभी नहीं दे पाऊंगा जो एक पति को देनी चाहिए। जब दो लोग एक ही कश्ती में सवार हों तो उन दोनों के बीच दूरियां क्यों? मैं भी जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहती हूं। आज हम अपनी ये सारी दूरियां दूर कर देंगे। और करण के बीच में जो भी आएगा उसे मैं खत्म कर दूंगी। करण को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। पायल बेटा, पायल उठ जाओ, पायल पायल। जरूरी काम से मैं बाहर गया था और माँ भी पड़ोस में ही थी, लेकिन जब वो आई तो उन्होंने पायल की लाश देखी। आपकी बहू थी, किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारी बहू तो बहुत गुणी और संस्कारी थी, पर भगवान जाने हमसे हमारी बहू को किसने छीन लिया। हेलो, ओके ठीक है, तुम पता कर लो उसके बारे में। ओके, ये अजय चौहान कौन है? पायल के मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट से पता चलता है कि पायल की किसी अजय नाम के आदमी के साथ काफी बातें हुआ करती थी। इंस्पेक्टर साहब, हम किसी अजय चौहान को नहीं जानते, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, हम पता कर लेंगे कौन है ये अजय चौहान।
वैसे आज शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कातिल तक पहुंचा जा सकता है। तो इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? पायल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पायल की मौत गला कटने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। क्या मतलब? मतलब तकिए से पायल का मुंह दबा दिया, दम घुटने से पायल की मृत्यु हो गई। उसके बाद कातिल ने छुरे से उसका गला काट दिया। हमने उस अजय चौहान को बहुत तोड़ा, तब पता चला कि अजय चौहान पायल का बॉयफ्रेंड था। उसने अपने बयान में कहा कि बहुत सालों से पायल के और उसके नाजायज संबंध थे, लेकिन ये अजय चौहान पायल का हत्यारा नहीं है बल्कि कातिल कोई और है। और लाओ ना। जब पायल की मौत हुई तब उसी समय श्वेता का मोबाइल लोकेशन वही दिखा रहा था। हमें यह भी पता चला कि श्वेता आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे पायल की और आपकी नजदीकियां देखी नहीं जा रही थी, इसलिए श्वेता ने ही पायल का खून कर दिया। क्या मिला तुझे हमारे घर पर बात करके? क्यों किया तूने ऐसे? क्यों? ले चलो इसे। रुकिए। पायल का खून श्वेता ने नहीं, मैंने किया है। तू पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है तू? इस लड़की ने हमारा घर पर बात कर दिया और तू उसे बचाना चाहता है? सच है माँ, पायल का खून श्वेता ने नहीं, मैंने किया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अजय और पायल के संबंध के बारे में सब पता चल चुका था। उस दिन जब मैं उन दोनों के चैट पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि राजीव भैया ने सुसाइड नहीं बल्कि पायल और अजय ने मिलकर उसको मारा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरे इस घर को दीमक की तरह खा जाना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर मैं पायल के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया था। और एक दिन मैंने पायल और अजय को फोन पर बात करते हुए सुन लिया। तब मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने अपने कमरे में सब जगह पे देखा, तुम्हारा फोन कहीं नहीं मिल रहा है। शायद ना तुमने कहीं बाहर ही गिरा दिया होगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें रात में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। इसे ढूंढ रही हो? ये तुम्हारे पास कैसे? ये फोन तुम्हारे आशिक का है और इसमें तुम्हारे अय्याशियों के सारे कच्चे चिट्टे। अब सीधे सीधे बताओ कि तुमने और तुम्हारे आशिक ने मिलकर मेरे भैया को क्यों मारा? देखो करण, ये फोन मुझे दे दो। मैं बता रही हूँ, ये फोन मुझे दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फोन मुझे दो। कौन सी है ना तुम्हें? मैंने कहा फोन दो मुझे। करण, फोन मुझे। फोन कौन सी है ना तुम्हें? कैसे मारा तुमने मेरे राजीव भैया को? समय मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था, इसलिए आप लोगों को मुझ पे शक नहीं गया। मुझे डर था कहीं इन सब में श्वेता ना फंस जाए, इसलिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने सोची, पर उससे पहले माँ आ गई। पायल बेटा, पायल, पायल, पायल बेटा।
ले चलो इसको। माफ कर दो करण, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया, कितनी गलत थी मैं। श्वेता जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा पूछताछ के लिए। ले चलो इन्हें। Thank you.